दूसरी तरफ भारत के पीएम ने यूएस में मीटिंग करी, बायलेटरल मीटिंग फिलिस्तीन के नेता से भी और नेपाल से भी, तो वहीं 15 टेक कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठे। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्या रईसी भी पेजर की वजह से चले गए। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दूं, पीएम मोदी की यात्रा और यहाँ पर जो इन्होंने मुलाकात करी, ये मुलाकात बहुत ही बढ़िया रही है। लोग यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ में यहाँ उपस्थित थे और यहाँ पर अच्छा खासा स्वागत भी किया गया। अब इन सब के बीच में पीएम मोदी ने अपना स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, ये लोकल से ग्लोबल हो गया है। ये सब आपने किया है, अपने दिल में भारत को बसाकर रखने वाले हर भारतीय ने ऐसा किया है। पीएम ने पुरानी अमेरिका यात्राओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब वो किसी पद पर नहीं थे, उससे पहले भी अमेरिका के 29 राज्यों में दौरा कर चुके थे। पीएम ने इस दौरान 2014 में मेडिसिन स्क्वायर, 2015 में सैन होसे और 2019 में ह्यूस्टन, 2023 में वॉशिंगटन की यात्राओं को याद किया। पीएम ने कहा कि भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से ही भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया। आपका स्किल, टैलेंट, आपका कमिटमेंट का मुकाबला नहीं है। आप 7 समंदर पार आ गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं है जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। काफी कुछ इन्होंने बोला और जिस तरीके से यहाँ भीड़ थी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। पर इन सब के बीच में एक और चीज हुई। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ एक राउंड टेबल बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों पर चर्चा की। यह बैठक रविवार को पीएम मोदी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दूसरे चरण के दौरान लौटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई है। पीएम मोदी की अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ हुई बैठक में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करने वाली 15 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने भाग लिया है। और यहां पर MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित इस राउंड टेबल सम्मेलन में गूगल के सुंदर पिचाई, एनवीडिया के जेनसन हुआंग और एडोबी के शांतनु नारायण जैसे प्रमुख सीईओ शामिल हुए थे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो तकनीक से संचालित न हो। तकनीक और लोकतंत्र के बीच में संतुलन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल जब मैं अमेरिका आया था तो मैंने एक हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम में भाग लिया था। मुझे आप में से कुछ से मिलने का मौका मिला था। आज एक साल बाद मुझे दुनिया के प्रमुख 9 प्रवर्तकों के साथ बैठकर गर्व हो रहा है। भारत के प्रति ऊर्जा, उत्साह और विश्वास में खुशी देता है। आप सभी ने बहुत सारे सुझाव दिए और आपका अनुभव और सुझाव मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने करता है। यहाँ पीएम मोदी का जो पूरा यात्रा रहा है, उस यात्रा के दौरान नेपाल के साथ भी इन्होंने द्विपक्षीय बैठक की, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ भी यहाँ पर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध जारी है। पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन के लोगों को भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। फिलिस्तीनी नेता के साथ पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबाह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से भी बैठक की और यहाँ पर इन्होंने बातचीत करके कई मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और खबर है जिस खबर ने हलचल मचा दी है। ईरानी संसद के सदस्य अहमद बयास्यास अर्देस्तानी ने एक आशंका जताई है
कि लेबनान में हिजबुल्ला को निशाना बनाने के लिए किए गए पेजर के समान ही एक पेजर मई में पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के अंदर फट गया, जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईरानी सांसद का दावा सनसनीखेज है, क्योंकि हिजबुल्ला के कम से कम 3000 सदस्य पेजर विस्फोट में गंभीर घायल हुए हैं और आरोप इजराइल पर लगाया गया है कि उसने ही पेजर में विस्फोटक भरे थे, जिसकी वजह से लेबनान में एक घंटे से ज्यादा वक्त तक पेजरों में धमाके होते रहे। 16 सितंबर और 17 सितंबर को लेबनान में दो तरह के हमले हुए थे। 16 सितंबर को पेजरों में धमाके हुए थे, जबकि 17 सितंबर को वॉकी टॉकी फटने लगा था, जिसमें 39 लोगों की मौत हुई। हिजबुल्ला के आतंकी कम्युनिकेशन के लिए पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस घटना में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है और न ही इनकार किया है। ईरानी सांसद अर्देस्तानी ने ईरानी मीडिया आउटलेट से कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान लेने वाले घातक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में एक संभावित शक उनके पेजर का विस्फोट होना है। उन्होंने कहा कि रईसी ने एक पेजर इस्तेमाल किया था, हालांकि उन्होंने जिस तरह के पेजर इस्तेमाल किया था वो हिजबुल्ला बलों के पास मौजूदा पेजर से अलग हो सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में संभावित लक्षणों में से एक उनके पेजर का विस्फोट होना था। उन्होंने आगे संकेत दिया कि ईरान ने पेजर की खरीद में भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि ईरान ने सुनिश्चित रूप से हिजबुल्ला के पेजर के खरीद में भूमिका निभाई थी, इसलिए हमारी अपनी खुफिया एजेंसी के को भी इस मामले की जांच करनी चाहिए। पिछले सप्ताह रईसी की तरफ से पेजर का इस्तेमाल किए जाने की बात तब चर्चा में आई जब उनकी और निर्वर्तमान इराकी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल हलबूसी की एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर के बैकग्राउंड में टेबल पर एक पेजर रखा हुआ देखा जा सकता है। ये साफ नहीं है कि ये वही पेजर ब्रांड है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला के आतंकवादी कर रहे थे या नहीं। इस महीने के शुरुआत में ईरानी सरकार की तरफ से जारी अंतिम जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मई में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से घना कोहरा और खराब मौसम जिम्मेदार था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई। ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर के टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और नेविगेशन पहलुओं की गहन जांच की गई थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने IRIB समाचार एजेंसी के तहत बताया कि निष्कर्षों की पुष्टि हुई कि उड़ान से पहले और उड़ान के दौरान सभी प्रक्रियाओं और उपायों में स्थापित मानकों और नियमों का पालन किया गया था। रिपोर्ट में उड़ान मार्ग में आए किसी भी तरह के व्यवधान, गलत मार्ग जानकारी, बाहरी हस्तक्षेप से इनकार किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पायलट ने किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना नहीं दी थी और फॉरेंसिक जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या हमले का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए क्षेत्र की बारिश के दौरान जटिल जलवायु और वायुमंडलीय परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके कारण घना कोहरा छा गया और हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। आपको बता दें, इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयन समेत उनके कई सहयोगियों की 19 मई को पूर्वी अजरबैजान प्रांत के एक पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई थी और अब जाकर पेजर को लेकर इन बातों को कहा जा रहा है। हालांकि ईरान ने अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की है और न ही इस मामले को कुछ आगे बढ़ाया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।